बड़ी खबर का इलेक्शन स्पेशल में ये बड़ी खबर छिंदवाड़ा से है। अमित शाह ने कमलनाथ के गढ़ में हुंकार भरी है। तो अमित शाह ने कमलनाथ के गढ़ में हुंकार भरी, आज पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है, ये उन्होंने कहा। बीजेपी ने आदिवासियों का ध्यान रखा है, पीएम मोदी ने भारत का परचम बुलंद किया है, अटल सरकार ने आदिवासी कल्याण बोर्ड बनाया। तो बड़ी बातें कही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और साफ तौर पर उनका यह कहना है कि भारत आगे बढ़ रहा है, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संजय साहू भी जुड़ चुके हैं। संजय, कमलनाथ का अभेद किला और यहां गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए, कौन कौन सी बड़ी बातें कही, किस तरह का भाषण उनका था, कितना प्रभावी था? जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, कमलनाथ के जो गढ़ को भेजने की अब बात कही जा रही है। और अमित शाह जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले वो जबलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली रानीताल स्थित संभागीय कार्यालय में। महाकौशल की राजधानी कहा जाता है जबलपुर को, और यहाँ पर संपूर्ण महाकौशल की सीटों को साधने की कवायद जो है वो शुरू की है। चूंकि अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय 2018 में महज 38 सीटों में से महज 13 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस ने 24 सीटें यहाँ पर जीती थी महाकौशल, क्योंकि भाजपा का गढ़ कहा जाता था। लेकिन पिछली बार जिस प्रकार से उलट फेर हुआ था उसको अब पूरी तरह से साधना जो है, या कहना चाहिए जीत का मंत्र, वो यहाँ के कार्यकर्ताओं में देना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि अब कहीं पर अगर कोई रूटा है तो उनको भी मनाने की कवायद जो है वो की जा रही है। अगर जबलपुर में लगभग अमित शाह 2 घंटे के करीब रहे हैं, और उन्होंने सबसे पहले डुमना एयरपोर्ट से उतरकर जो आदिवासी समाज से आते हैं राजा शंकर साहेब रघुनाथ साहेब, उनकी प्रतिमा स्थल गए, वहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद वो फिर रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने 51% वोट हमको कैसे मिले इस पर फोकस किया। साथ में चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र कहा जाता है महाकौशल, वहां संपूर्ण महाकौशल आदिवासियों को कैसे मनाना इस पर पूरा फोकस किया गया। अगर उनके साथ केंद्रीय मंत्री के साथ बिल्कुल बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी वापस आपके पास हम लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।